गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता अग्रवाल, इंग्लिश मिस्ट्रेस. दिस इज़ क्लास 7th. टुडे इज़ 21st of January 2022. लेट्स रीड द असाइनमेंट सेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब. बच्चों, हुण तक आपां चैप्टर 7 कर रहे सी, ते अज आपां चैप्टर 8 शुरू करन जा रहे हां तुहाडी बुक दा. अपनी बुक तुसी ओपन कर सकते हो. लैसन दा नाम है चैप्टर 8. लैसन दा नाम है एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की हुंदा है बच्चों? अर्थक्वेक हुंदा है भूचाल. अर्थक्वेक की हुंदा है? भूचाल, जो धरती हिल जाती है, ठीक है, उन्हें अर्थक्वेक बोलते हैं. प्री रीडिंग encompasses all of the things that you do before you start reading to increase your capacity to understand the material, in many cases taking just a few minutes to learn more about what you are about to read can dramatically increase your reading comprehension and retention. तो बच्चों, जे तुहानू pre-reading बारे प्री रीडिंग तुसी कित्ती होगी, मतलब तुसी जिवें वर्ड मीनिंग्स ने तुहानू पहला पता होंगे, तो तुसी जदों लैसन पढ़ोगे तो तुहानू लैसन आसान लगेगा पढ़ना. पर जे तुहानू वर्ड मीनिंग नहीं कित्ते होंगे, सीधा तुसी लैसन पढ़न लग गए तो तुहानू लैसन पढ़न दे विच मुश्किल आऊगी. तो आओ पहला आपां इस दी एक्टिविटी 1, जो कि बुक दे विच कुछ वर्ड्स दिते हुए ने, उन्हां वर्ड्स दे मीनिंग देखिए. तुसी अपनी बुक दे उपर भी लिख सकते हो, तुसी जे चाहो तो अपनी कापी दे उपर भी लिख सकते हो. ते लिखन तो बाद, चाहे बुक ते लिखो चाहे कापी ते लिखो, लिखन तो बाद उसका स्क्रीनशॉट अपने टीचर्स नू भेजना नहीं भूलना. बच्चो, जे तुसी मेरे चैनल ते नवे हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुहानू इस तरह दियां वीडियोज़ रोज़ इस चैनल दे उपर पाईयां जांदियां ने. तुसी पिछलियां वीडियोज़ भी चैक कर सकते हो. रोज़ाना जिस दिन दा लॉकडाउन स्टार्ट होया, स्कूल्स बंद होए ने दोबारा, तो उस दिन तो ही तुहानू मैं वीडियोज़ रोज़ाना एक एक करके असाइनमेंट्स भेज रही हाँ. तुसी पिछलियां वीडियोज़ भी इस दे विचो चैनल चो ईजीली लभ सकते हो. तो आओ हुण अज दी वीडियो आपां शुरू करिए. फर्स्ट वर्ड है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक दा मीनिंग हुंदा जिवें कि तुहानूं दस्सिया मैं, भूचाल, जदों बच्चों धरती हिल जांदी है, धरती नूं झटका लगदा है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हुंदियां ने, वो आपस दे विच थोड़ा जिहा वी उहनां च गैप वध जांदा है, घट जांदा है, तां धरती दी हिल जांदी है, उसनूं बोलदे ने अर्थक्वेक. इस दे नाल बहुत जान माल दा नुकसान हो जांदा है. सैकेंड वर्ड है अवेक. अवेक मीन्स जागना. अवेक मीन्स जागना. थर्ड वर्ड है बच्चों शेक. शेक मीन्स हिलना. जदों अर्थक्वेक आते हैं तो धरती पूरी तरह हिल जाती है, पूरा पता लगता है, बैड हिलन लग जाते हैं, लैंप लगे होंगे ने, लैंप हिलन लगते हैं, सिर्फ जिहड़े सीलिंग फैनस लगे होंगे ने, छत वाले पखे, वो हिलन लग जाते हैं. तो शेक का मतलब क्या है? हिलना. फीयर नेक्स्ट वर्ड है. फीयर. फीयर मीन्स डर. फिफ्थ ट्रैम्बलिंग. ट्रैम्बलिंग मीन्स कंबना. ट्रैम्बलिंग कंबदा या कंबना. सिक्स्थ क्रैशिंग. क्रैशिंग की हुंदा है? डिगना. जदों अर्थक्वेक आंदा है बच्चों, बहुत सारे घर, होटेल्स, बड़े बड़े होटेल्स, बड़े बड़े घर, वो कई बार गिर जाते हैं, डिग जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं. सैवंथ फ्रैगमेंटेड. फ्रैगमेंटेड की हुंदा है? फ्रैगमेंट्स मीन्स खंड खंड, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, फ्रैगमेंट्स, उस तो ही बने हैं फ्रैगमेंटेड. फ्रैगमेंटेड मीन्स खंडित, मतलब टुट जाना, ठीक है. तुसी खंडित भी लिख सकते हो ते टुटिया होया भी लिख सकते हो. एट्थ वर्ड है क्रॉल्स. क्रॉल्स की हुंदा है? रेंगदा है. जिवें आपां मान लो कि अपने बहुत ज़्यादा 7 बजे आपां तुर नहीं पाते, तां आपां ओह की करनगे, जिहड़े बंदा जिहदे किसे दे लत्त दे उपर आ के सरिया वज्जिया जां कुछ भी हो जांदा जदों घर टुटदे ने, तां ओह बंदा फिर रेंग के बाहर आंदा. कई बार रेंग रिहा हुंदा तां उहनूं बोलदे ने क्रॉल. क्रॉल छोटे बच्चे लई भी यूज़ कीता जांदा, जिहड़ा रिड़दा हुंदा रेंगदा है. नैक्सट वर्ड है बच्चों रूबल जां डेबरिस. रूबल जां डेबरिस का मतलब की है? मलबा. जदों कोई घर गिर जांदा जां आपां ढा दिंदे आ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਮਲਬਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ 10th ਵਰਡ ਹੈ ਕੋਜ਼ੀ.
कोजी की हुंदा बच्चो आरामदायक, जिवें अपने घर हुंदे ने, अपने घर की हुंदे ने कोजी हुंदे ने, आपां नूं अपने घर अच्छे लगदे ने। आपां हुण देखो इन्नी ठंड होई पई है, आपां अपने घरां च आं तां आपां रजाइयां दे विच बैठे रहिंदे आं, तां आपां नूं किवें लगदा अपना अपना होम किवें लगदा, कोजी फील हुंदा, आरामदायक। इलेवंथ मोमेंट, मोमेंट की हुंदा पल, ठीक है, पल जां क्षण, मोमेंट बिल्कुल थोड़ा जिहा समा, उन्हूं बोलते ने मोमेंट। नैक्सट वर्ड है बच्चों ट्वेल्थ है टोम्स, टोम्स मीनस कबरां, जदों कोई मर जाता है उन्हूं आपां दफन कर दें, दबा दें मिट्टी के विच, दबा दें तो उहदे उपर बना दें ना मिट्टी की, तो उन्हूं बोलते ने कबर, ठीक है, टोम, तो इनू इंग्लिश दे विच टूम बोलिया जाता है। तो ये सी तुहाडे वर्ड मीनिंग्स, कल आपां इस लैसन नूं पढ़ांगे, पहला तुसी वर्ड मीनिंग चंगी तरह याद कर लो, बुक दे उपर, कापी दे उपर, जिथे भी तुसी लिखना चाहते हो लिख लो, तो ये स्क्रीनशॉट अपने टीचर्स नू जरूर भेजो। जे तुहानू मेरी वीडियोस अच्छी लगदियां होन तां लाइक दा बटन दबाना कदे भी नहीं भुलना, तो अपनी अटेंडेंस तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लगानी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।